बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं उस पर हम बात करेंगे पीटीई। पीटीई क्या होता है? पीटीई का मतलब होता है पेशेंट टेस्ट ऑफ इंग्लिश। जिस तरह हम किसी ज़माने में आइल्स एग्ज़ाम दिया करते थे, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये कहा था भाई आइल्स को आप टाटा बोल दो, बाय बाय बोल दो, क्योंकि अब आइल्स की इतनी सच कोई ज़रूरत नहीं है। अब पीटी का एग्ज़ाम आ गया और जैसा आपने देखा कि मैंने भी माशाल्लाह 6.5 बैंड से ओवरऑल से क्लियर किया है। अच्छा, बात दरअसल ये है, अब मैं बताता चलूँ भाई पीटी का जो है, मैं लाइव आपको जो है उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लाइव यहाँ पे करके दिखाऊंगा। लैपटॉप मैंने अपना खोला हुआ है, स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ अपनी, आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। कोई मसला हो, कोई चीज़ समझना है और आपको ऐसा लगे कि कोई चीज़ मैंने गलत बताई है तो कमेंट्स करें, उसको बताएं ताकि वो चीज़ मैं भी उस चीज़ को क्लियर कर सकूँ, ठीक है? लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होने होगा नहीं, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा भाई, याद रहे मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा कि भाई फला प्रोफेसर अच्छा है, फला टीचर अच्छा है, उसकी पीटी की टिप्स अच्छी हैं, नहीं सिर्फ मेरी ही अच्छी हैं। भाई यूट्यूब पे जितने भी लोग आपको पीटी की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सब सही हैं, कोई इसमें से गलत नहीं है। बहुत सारे चैनल्स बने हुए, यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे जो पीटी की अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाह रहे हैं। इसी तरह मैं भी जो है एक हाई लेवल पे आपको इंशाल्लाह ट्रेनिंग दूंगा पीटीई की। दूसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि आज हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे उसका नाम है लैंग्वेज एकेडमी। लैंग्वेज एकेडमी से मैंने ही प्रिपरेशन की और मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, तो हम भी आज मैं आपको लैंग्वेज एकेडमी से जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करवाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पीटीई स्पीकिंग की। पीटीई स्पीकिंग में जो है टोटल 5 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसका पहला सबसे होता है रीड अलाउड, दूसरा होता है रिपीट सेंटेंस, तीसरा होता है डिस्क्राइब इमेज, चौथा होता है रिटेल लेक्चर, पांचवा होता है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। भाई पांचों के आज लाइव में करके दिखाऊंगा आपको फुल मार्क्स कैसे आते हैं, पांचों की मैं टिप्स आपको बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, हम लोग ने ये पीटीई की वेबसाइट खोल रही है, लैंग्वेज एकेडमी के नाम से ये वेबसाइट है, languageacademy.com.au। आप इस पर देख सकते हैं, इस पर आप प्रैक्टिस मटेरियल में यहाँ पर आएंगे और सिंपल यहाँ पर सब मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। आप बिल्कुल परेशान नहीं होना इस चीज़ से कि यार इसमें तो इतने इतने मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग में तो इतने मॉड्यूल्स हैं। भाई सारे मॉड्यूल्स आपको नहीं पढ़ने, ठीक है? सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्पीकिंग की। स्पीकिंग में आपके टोटल जो है वो है 5 मॉड्यूल। सबसे पहले आपका आएगा रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सिर्फ इसमें से जो है हमें स्पीकिंग में वाहिद ऐसा मॉड्यूल है जो आपके पीटीई के मार्क्स उठाता है, ठीक? क्या रीड अलाउड में वन लाइन स्ट्रेटजी अगर हम करके आते हैं तो क्या हमारे फुल मार्क्स आएंगे या जीरो मार्क्स आएंगे? भाई मैंने एक हफ्ते पहले पीटीई का एग्ज़ाम दिया है, मैंने वन लाइन स्ट्रेटजी उसमें यूज़ की है और आप मेरे स्पीकिंग में मार्क्स देख सकते हो, मेरे पूरे मार्क्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 7.5 बैंड्स आए हैं मेरे स्पीकिंग में। तो ये सब सुनी सुनाई बातों पे आप यकीन नहीं करें। बहुत से यूट्यूबर्स से मैंने देखा, सब ये कह रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि भाई वन लाइन स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। भाई ऐसा नहीं है, वन लाइन स्ट्रेटजी काम कर रही है, लेकिन आपके जो अदर मॉड्यूल्स है वो आपके नंबर डिडक्ट कर रहे हैं। तो सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करें, आप इस पर अमल करें। पियर्सन की वेबसाइट पर 10 यूट्यूबर्स ने लाइव एग्ज़ाम दिया है और सब ने वन लाइन स्ट्रेटजी की है। मैं भी जो है वो कोशिश करूँगा पियर्सन पर लाइव मॉक टेस्ट बुक करवाऊँ और सिर्फ स्पीकिंग का मॉड्यूल अटैम्प्ट करने के बाद मैं देखूं कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो, एग्ज़ाम में अगर आपका है तो वन लाइन स्ट्रेटजी रीड अलाउड में यूज़ करो, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे। ये देखिए, हम ये लैंग्वेज अकेडमी की वेबसाइट है, प्रैक्टिस मटेरियल पर क्लिक किया, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा याद रहे, लैंग्वेज अकेडमी के वाहिद ऐसे क्वेश्चन आंसर होते हैं जो एग्ज़ाम में भी आपके कभी कभार रिपीट हो जाते हैं। सबसे पहले हम रीड अलाउड पर आए भाई। अच्छा, अब ये लोग कहते हैं भाई रीड अलाउड में करना क्या है? भाई रीड अलाउड में पढ़ो क्या कह रहा है, लुक एट द टेक्स्ट बिलो इन 35 सेकेंड्स, यू मस्ट रीड एंड टेक्स्ट अलाउड एज नेचुरली एंड क्लियरली एज पॉसिबल, यू हैव 35 सेकेंड्स टू रीड अलाउड। रीड अलाउड का मतलब ये है भाई, आपको वो 30 सेकेंड दे रहा है रिपीट करने के, ठीक है? यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपको जो है वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में तैयारी करनी है, वो आपको पूरा पढ़ना होगा एज इट इज़, ठीक है? अच्छा, बहुत से लोग हैं भाई वो कहते हैं अच्छा अगर हम तेज़ पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं आपको करके बताता हूँ। ऐसा नहीं करना एग्जाम में कि कोई आपके पास पेपर आए तो आप इस तरह पढ़ो, द क्लास कह रहा हूँ मैं गेम टू अराउंड 90 दिस क्रेडिट्स वर प्रोबेबली ओवर टाइमिंग। भाई ऐसा नहीं करना, वो आपको जो है वो जीरो मार्क्स दे देगा, वो बोलेगा भाई क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ भाई, देखना मार्क्स भी दिखाऊंगा कि कितने मार्क्स आएंगे।
द क्लासेस एरा ऑफ मयान केम टू एन एंड अराउंड 1900 AD. व्हाई दिस हैपेंड इज अनक्लियर. द सिटीज वर प्रोबेबली ओवर फार्मिंग द लैंड सो दैट अ पीरियड ऑफ ड्रॉट लेड टू फेमाइन. Recent geological research supports this as there appears to have been a 200-year drought around this time. फौरन इसको स्टॉप कर दो. जैसे स्टॉप करोगे एग्जाम में, अगर स्टॉप नहीं किया तो वो मार्क्स आपका, अगर 3-2 सेकंड तक आवाज़ नहीं आई तो मार्क्स आपके काट देगा, 0 दे देगा. दूसरे नंबर पे हमारा आता है रिपीट सेंटेंस. भाई रिपीट सेंटेंस की ट्रिक्स क्या हैं? बहुत ईजी ट्रिक्स हैं. घबराना नहीं. सबसे पहले जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना घबरा जाओगे. रिपीट सेंटेंस की ट्रिक यह है भाई, सबसे पहले आपको एक सेंटेंस सुनने को मिलेगा. सेंटेंस आपके पास आएगा इंग्लिश में आएगा, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है. अब तुम्हें याद रहा कि यार उसने कहा था मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बीच में उसने क्या कहा था तुम्हें याद नहीं रहा. याद रहे, रिपीट सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं, कॉन्टेंट, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन. याद रखना, कंटेंट जो है अगर तुमने 50% पढ़ लिया तो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे. और ज़रूरत नहीं है पूरा कंटेंट के, कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है भाई जो पूरा कंटेंट पढ़ सके. 16-17 वर्ड्स का एक साथ रिपीट कर देना एक बहुत बड़ी, कोई एक बहुत बड़े उसका काम है, मिजाज का काम है, हर कोई नहीं कर सकता. दूसरी चीज़ रहे अब वो है तुम्हारी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन. भाई फ्लुएंसी तुम्हारी इस तरह आएगी, तुमने बोला भाई मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, यहाँ बारिश होने वाली है और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है. फ्लुएंसी आ गई आपकी, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी आ गई, फ्लुएंसी भी क्लियर हो गई. ये रिपीट सेंटेंस की ट्रिक है. तुम्हें इसी तरह करना है, मैं तुम्हें अभी करके दिखाऊंगा, पूरे मार्क्स लेके दिखाऊंगा. तो याद रहे, याद रखना, बिल्कुल परेशान नहीं होना. रिपीट सेंटेंस की ये ट्रिक है, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा. भाई ये हमारा रिपीट सेंटेंस आ गया, ठीक है, अभी रुक जाओ. We have been doing research in that area for probably 25 years. ठीक है, अभी इसने सेंटेंस रिपीट किया, हमें एज इट इज़ जो है 100% जो है सेंटेंस रिपीट करना है. और जैसे ही हमारा रिपीट खत्म हो जाए हमें यहाँ से स्टॉप कर देना है. वो कहता है यू विल हेयर अ सेंटेंस, प्लीज रिपीट द सेंटेंस एग्जैक्टली एज यू हेयर इट. यू विल हेयर द सेंटेंस वंस ओनली. तुम्हें एक सेंटेंस रिपीट करना होगा, उसके बाद वो सेंटेंस रिपीट नहीं होगा. ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ लाइव. स्टूडेंट्स कैन चूज ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड मास्टर कोर्स. Students can select graduate diploma, graduate certificates. Today is Friday and it's raining today. अच्छा, बहुत से लोग बोल लेंगे यार ये बारिश का तो इसने जिक्र ही नहीं किया. भाई बारिश का जिक्र इसने नहीं किया, ये पीटी की रिपीट सेंटेंस की ट्रिक है. वो ट्रिक ये है, अब आप सब लोग बोल रहे हैं यार उसने तो बारिश का जिक्र ही नहीं किया, आपने बारिश क्यों बोल दिया इट्स रेनिंग टुडे. भाई ये पीटी रिपीट सेंटेंस की ट्रिक्स हैं. लेट सपोज अगर आपको जो है सेंटेंस पूरा याद नहीं रह रहा, उसने बोला, उसने कहा भाई ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो है आफ्टर डिग्री जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा और डिप्लोमा मिलेगा और डिग्री मिलेगी. अब मुझे याद रहा यार उसने बोला था ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो है वो डिग्री मिलेगी और सर्टिफिकेट मिलेगा. अब उसने टाइम तो हमारा चल रहा है, हमें तो पूरा सेंटेंस कम्प्लीट करना है. लेकिन याद रखना ये रिपीट सेंटेंस की ट्रिक है कि वो 100% वो नहीं मांगता कॉन्टेंट, वो बोलता है भाई मुझे फ्लुएंसी पूरी चाहिए. अब उसने बोला स्टूडेंट्स कैन गेट मास्टर्स डिग्री, अब तुम भूल गए आगे. तुम बोलो स्टूडेंट्स कैन गेट मास्टर्स डिग्री एंड इट्स फ्राइडे एंड इट्स रेनिंग हेयर इट्स रेनिंग टुडे, कुछ भी बोल सकते हो. इट्स स्टूडेंट्स कैन गेट मास्टर्स डिग्री, आई लव रोज. स्टूडेंट्स कैन गेट मास्टर्स डिग्री, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम. इससे आपका जो है वो फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन वो पूरा हो जाएगा, समझ लो, ये इसकी ट्रिक है. तीसरे नंबर पे हमारा आ रहा है डिस्क्राइब इमेज. डिस्क्राइब इमेज इतना कोई पीस ऑफ केक है, मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ. सिर्फ 4 से 5 वर्ड बोलने हैं, कुछ भी नहीं है, पूरे मार्क्स आएंगे 90. डिस्क्राइब इमेज में पिक्चर आएगी, तुम्हें उसको देख के बयान करना है पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, क्या बातें करनी है. अब मसला ये है कभी कभार एग्जाम में वीडियो आ जाती है, तो अब अच्छा ये बात कोई नहीं बताएगा, वीडियो भी आती है. पीटी के जो ऑफिशियल पियर्सन का एग्जाम होता है उसमें वीडियो भी आती है. अब तुम्हें करना ये है, अब तुम पिक्चर देखो, ठीक है. अब लेट सपोज भाई तुम ये तुम्हारे सामने ये पिक्चर आ गई, अब तुम बोलो यार हम इसमें क्या बोलें एग्जाम में, तुम्हें पता क्या बोलना है. तुम बोलोगे दिस पिक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पीटी एग्जाम स्पीकिंग मॉड्यूल. फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी रीड अलाउड नंबर 1. फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी रिपीट सेंटेंस नंबर 2. From the picture, I can see number 3, describe image. From the picture, I can see number 4, retail lecture. From the picture, I can see number 5, answer, short question answer.
टू कंक्लूड दिस पिक्चर इज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो मेरे किस तरह मार्क्स आते हैं पूरे। ये हमारा आ गया है डिस्क्राइब इमेज। अब जो मैंने आपको बताई इसकी ट्रिक, अब देखो मैं लाइव अप्लाई करके देता हूँ। वो कह रहा है भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तुम्हारी 25 सेकंड बाद, जब तक के जो है वो तुम यहाँ पे एक पिक्चर आएगी तुम उसको रिव्यू कर लो। अब पिक्चर आने में कभी कभी टाइम लग जाता है लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं लगता। अभी भाई अब सब तो टेंशन में आ जाएंगे यार, ये तो ब्लू ब्लू लाइन्स हैं, हम क्या बोलें इसके ऊपर, फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है हम क्या बोलें। भाई भाई बिल्कुल परेशान नहीं हो, अब देखो तुम मेरी चाल। दिस पिक्चर गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलरिटी ऑफ कल्चर वेबसाइट्स इन स्कॉटलैंड अबाउट 2013। From the picture, I can see none of these. From the picture, I can see theater and concerts. From the picture, I can see historical and heritage websites. From the picture, I can see arts, website, music, themes, dance, visual concerts, and arts literature. From the picture, I can see blue color. From the picture, I can see blue lines. From the picture, I can see some percentages. From the picture, I can see some 0%, 10%, 20%. To 10%. To conclude, this picture is very informative for all students. Thank you. अब तुम देखो मेरे मार्क्स कितने आएंगे भाई। देखो भाई, कंटेंट स्कोर 5 में से 5, फ्लुएंसी स्कोर 5 में से 5, प्रोनाउंसिएशन स्कोर 5 में से 5। ये देखो भाई, अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो आ जाओ मी में। कितने आए भाई, 15 में से 15। ये देखो सफ़ू खान ने दिया 15 में से 15। इसी तरह हमारा आ जाता है रिटेल लेक्चर। अब सब बोलते हैं नहीं भाई रिटेल लेक्चर नहीं कर सकते हम, भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिटेल लेक्चर की ट्रिक ये है, रिटेल लेक्चर जब भी आपका स्टार्ट होगा सिर्फ आपको वहाँ पे नोट्स बनाने, क्या बनाने हैं नोट्स। उसने एक लेक्चर स्टार्ट किया, उसने इन्फॉर्मेशन दी मुझे प्रिंटर के हवाले से, ठीक है। एग्जाम में तो आपके पास कोई भी टॉपिक आ सकता है, प्रिंटर के हवाले से उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी। भाई प्रिंटर जो है HP का अच्छा होता है, उसमें ब्लैक इंक होती है, कुछ प्रिंटर्स होते हैं जो कलर ऑब्जर्व नहीं कर पाते, कुछ प्रिंटर्स होते हैं जो इंक के बगैर चल जाते हैं, कुछ प्रिंटर्स में ब्लूटूथ होता है, कुछ प्रिंटर्स में जो है वाईफाई होता है, कुछ प्रिंटर्स में हार्ड कॉपी अच्छा ग्राफिक देती है। अब ये जो मेन पॉइंट्स है ना प्रिंटर के हवाले से, हार्ड कॉपी, कलर कॉपी, इसकी लाइक स्कीम, उसके कलर्स, उसका बैकग्राउंड, उसकी बॉडी, ये सारे तुम्हारे पास है इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो मैं तुमने इसके नोट्स बनाए, तुमने बोला भाई दिस द ऑडियो वॉज इम्पॉर्टेंट। स्टार्टिंग में तुमने बोला भाई प्रिंटर वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर, ही गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वाइट कलर, ही गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट रेड कलर, ही गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रिंटर बॉडी, ही गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रिंटर बॉडी पार्ट्स, ही गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रिंटर इंक, ही गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रिंटर टाइप्स। HP प्रिंटर वॉज वेरी गुड फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। अब हम बात करने जा रहे हैं रिटेल लेक्चर की। रिटेल लेक्चर का मैं लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरह इसके करेंगे, ठीक है। नोट्स बनाने याद रहे, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना है ऑडियो पे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखना है। स्टार्ट हो रहा है 2 सेकंड बाद। In other words, overachievers are trying to solve a range of psychological problems through material or worldly means. And this is why their efforts must, in a deep sense, always be doomed to failure, even when it appears to most of the world as if these overachievers are succeeding beyond measure. Because success is the moment when overachievers are likely to notice the doomed nature of their ambitions, it's a particularly troubling and dangerous eventuality. Depression may set in just after the company is sold. The star will fall into a crisis just after they finally gain worldwide recognition. At exactly the point when their work is acclaimed or finds its audience, overachievers are at risk of severe breakdown. So long as they are merely running, they can forget to notice that their goal is misaligned with their true inner ambition. They must wait for success to reveal the fateful nature of their life's quest. ये देखो भाई, ये मैंने इसकी बना ली है नोट्स, ठीक है। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रेस वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर, ही गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट साइकोलॉजिकल, ही गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम्स, ही गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट डीप सेंस, स्ट्रेस, सक्सेस, मूवमेंट, एडमिशंस, ही गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट डेंजरस, ही गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रबलिंग, फाइनली गेन, ऑडियंस, रनिंग, गोल, ही गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट रिवील्ड लाइफ टाइम।
The audio was very important for everyone. To conclude, this audio is very important. Each and everything was very good. Thank you. अब तुम देखो भाई मार्क्स इतना है मेरे. देखो ये जो मैंने रिटेल लेक्चर दिया है भी लाइव आपके सामने 15 में से 15 मार्क्स आ गए. सो इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी इजी.